दोस्तों इस कहानी में 10 साल की एक लड़की है जो शहर में बने एक अनाथालय में रहती है। इस अनाथालय की देखभाल करने वाली औरत जो काफी स्ट्रिक्ट होती है। हालांकि इस अनाथालय में और भी बच्चे रहते हैं। खैर यह लड़की जिसका नाम सोफी है, दरअसल सोफी को नींद ना आने की बीमारी होती है। उसकी रातें टहलकर और घूमते हुए कटती थी। उसे लगता था रात में कोई बूढ़े बाबा आते हैं और बच्चों को उठा ले जाते हैं। इस बीच उसे कुछ बिल्लियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो बाहर झांक कर देखती है, वहां पर कुछ बिल्लियां होती हैं जो डस्टबिन को गिरा देती हैं। इस डस्टबिन को फिर से सीधा करके रख दिया जाता है, लेकिन इसे रखने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है। इसे देखकर सोफी डर जाती है। वह सोचती है इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है। इस बीच सोफी एक दैत्य को देखती है। वह दैत्य भी उसे देख लेता है। सोफी डर कर अपने बिस्तर में छिप जाती है, लेकिन दैत्य अपने हाथ से सोफी को उठा लेता है और अपने झोले में रख कर कहीं दूर चला जाता है, एक ऐसी दुनिया में जो किसी भी इंसान के सोच से परे होती है। और कहानी में इसे दैत्य देश कहा गया है। वह दैत्य उसे अपने घर ले जाता है जो एक गुफा होती है। सोफी यहाँ की चीजें देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि सभी चीजें आकार में आम इंसानों के पास जरूरत वाली चीजों से काफी बड़ी होती है। इसके बाद वह बूढ़ा दैत्य अपने खाने की तैयारी कर रहा था। सोफी ने दैत्यों वाली कहानियां सुन रखी थी, इसलिए वह जानती थी कि दैत्य लोग इंसानों को खाते हैं। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वह बूढ़ा दैत्य उसे देख लेता है और वह सोफी के पास जाता है और कहता है कि यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वह दैत्य सोफी को पैन में रख लेता है और एक बड़ी सी सब्जी को काटने लगता है, जिसे कहानी में ककड़ भुजा कहा गया है। सोफी को लगता था वह दैत्य उसे काट कर खाने वाला है। इस बीच वहां पर कुछ आवाजें आती हैं। सोफी बूढ़े दैत्य से पूछती है ये आवाजें कहां से आ रही हैं। दरअसल ये आवाजें वहां रहने वाले दूसरे दैत्यों की थी जो उसके घर के पास में ही रहते थे। वह सोफी से कहता है ये सभी दैत्य हैं जो काफी खूंखार और ये सभी मांस खाने वाले हैं, इंसानों को देखते ही कच्चा खा जाते हैं। सोफी यह सुनकर बहुत डर जाती है। वह बूढ़े दैत्य से कहती है क्या वह भी उसे खा जाएगा। इस पर दैत्य बोलता है नहीं, मैं मांस नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, मैं सिर्फ ककड़ भुजे की सब्जी खाता हूँ और इसी सब्जी का बना शरबत पीता हूँ। सोफी उससे अपने को उठा लाने का कारण पूछती है। दैत्य कहता है कि उसने उसको देख लिया था और वह नहीं चाहता है कि कोई इंसान उसे रात में देखे, इस वजह से वह उसे उठा लाया है। हालांकि सोफी उसे बताती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और आपने मुझे अनाथालय से उठाया है। दैत्य पूछता है क्या तुम वहाँ रहकर खुश थी। इस पर सोफी कहती है नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उस अनाथालय को चलाने वाली मैडम बहुत प्रताड़ित करती थी। उनके अजीब नियम थे, बात बात पर सजा देती थी और वहाँ नीचे बने तहखाने में भी बंद कर देती थी जहाँ पर बड़े बड़े चूहे घूमते थे। खैर उस रात बूढ़ा दैत्य सोफी को एक कहानी सुनाकर सुला देता है और अब दैत्य बाबा अपने काम पर निकल जाते हैं। दरअसल वह इंसानों के लिए चमकदार रोशनी से सपने बुनने का काम करते थे। अब रात में सोफी की नींद खुलती है, वह देखती है दैत्य बाबा सो रहे हैं। वह वहां से निकलकर भाग रही होती है। इस बीच उसे एक बड़ा सा दैत्य दिखाई पड़ता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में डालकर निकल जाता है। इतने में सोफी की नींद खुल जाती है। दरअसल यह एक सपना था जो बूढ़े दैत्य ने उसे दिखाया था ताकि वह गलती से भी यहां से भागने की कोशिश ना करे। इस बीच उसके घर में एक बड़ा सा दैत्य आता है। वह उस बूढ़े दैत्य को चिरकुट कहकर पुकारता है और कहता है कि वह किससे बड़बड़ा रहा था, उसे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। वह इधर उधर देखने लगता है, तब तक बूढ़ा दैत्य सोफी को छिपा देता है। इस बीच सोफी उससे बचने के लिए कटे हुए ककड़ भुजे में घुस जाती है। हालांकि वह बड़ा वाला दैत्य जो सब्जियां नहीं खाता था, वह सिर्फ मांस खाता था, लेकिन आज उसे ककड़ भुजे में से कुछ अलग तरह की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी छिपी हुई थी। वह उसे उठाकर खाने ही वाला था, तब तक बूढ़ा दैत्य सोफी को देख लेता है। वह उसके हाथ से लटक जाता है और उसे याद दिलाता है कि वह तो सब्जियां खाता ही नहीं है, वह अपना नियम क्यों तोड़ेगा। बड़ा वाला दैत्य यह सुनकर उस सब्जी को फेंक देता है और कहता है हाँ मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसान खाता हूँ। इतना कहकर वह बाहर निकल जाता है। सोफी बाहर आती है। बूढ़ा दैत्य देखता है सोफी के कपड़े गंदे हो चुके हैं। वह उसे अपनी हथेली पर बैठाकर स्नान करवाता है और पहनने के लिए कपड़े देता है। अब दैत्य सोफी को गुफा के दूसरी साइड में एक बड़े से पेड़ के तने में उसके रहने की व्यवस्था करता है क्योंकि वह सोचता है कि सोफी यहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। उसके बाद बूढ़ा दैत्य अपने काम पर जाने लगता है। सोफी कहती है वह कहाँ जा रहा है। दैत्य कहता है कि तुम आराम करो, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, मैं लोगों के सपने बुनता हूँ और यही तो मेरा काम है। सोफी कहती है नहीं, मुझे भी आज तुम्हारे साथ चलना है। बूढ़ा दैत्य कहता है
वह सभी खूंखार दैत्य बाहर ही लेटे हुए हैं। तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक होगा। लेकिन सोफी के ज्यादा जिद करने पर वह उसके साथ चल देती है। बूढ़ा दैत्य किसी तरह बचते बचाते सोफी को वहां से निकाल रहा था, लेकिन इस बीच एक दैत्य की आंखें खुल जाती हैं। वह बूढ़े दैत्य को पकड़ लेता है और आप सबके सब जग चुके हैं। वह बूढ़े दैत्य को परेशान करने लगते हैं। सोफी मौका पाकर वहीं पर एक बेकार पड़ी गाड़ी में बैठ जाती है। इस बीच बारिश होने लगती है। ये सभी दैत्य पानी से बहुत डरते थे। वे सभी बूढ़े दैत्य को छोड़कर पानी से बचते हुए अपनी अपनी जगह भागने लगते हैं। इसके बाद बूढ़ा दैत्य सोफी को लेकर वहां से एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद बादल को पार करते हुए एक एकांत जगह पहुंच जाता है, जहां से तारे काफी पास से दिखाई पड़ रहे थे। यहीं पर एक खूबसूरत झील होती है। बूढ़ा दैत्य इस झील में कूद जाता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। सोफी भी झील में कूद जाती है और अब दोनों एक अमेजिंग दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिससे ओस की बूंदों की तरह सपने पकते थे। और इन्हीं सपनों को लेकर वह बूढ़ा दैत्य इंसानों के पास जाता था और रात में सबको अच्छे अच्छे सपने देता था। यहाँ जो लाल कलर की रोशनी है, दरअसल ये बुरे सपने हैं, और इसके अलावा बाकी के सपने अच्छे होते हैं। यहाँ वो सोफी से ढेर सारी बातें करता है। वह उसे बताता है कि इस दैत्य देश में सभी दैत्य उसे चिरकुट कहकर बुलाते हैं और कोई भी दैत्य उसे इज्जत के साथ पेश नहीं आता है। आगे वह सोफी से एक दोस्त के बारे में बात करता है। वह कहता है, तुम्हारी ही तरह मैं एक और दोस्त लाया था जो मुझे BFG यानी बड़े फरिश्ते जी कहकर बुलाता था। सोफी कहती है, मैं भी अब से तुम्हें बड़े फरिश्ते जी यानी BFG कहकर बुलाऊंगी। खैर, सपनों के देश से कुछ सपने लेकर बूढ़ा दैत्य सोफी को लेकर इंसानों के देश में जाता है। शहर में उस अनाथालय में जाता है जहां बच्चे सो रहे थे। वह उनके दिमाग में अच्छे अच्छे सपने डालता है। वह सोचता है कम से कम इन बच्चों के सपनों में खुशियां लाई जाएं। वह उन बच्चों को खुश देखना चाहता था। इसके बाद जब दोनों दैत्य देश लौटते हैं, सोफी कहती है कि उसका ब्लैंकेट नहीं मिल रहा है, शायद कहीं खो गया होगा। तभी वे दोनों देखते हैं सभी खूंखार दैत्य रात में कोई चीज ढूंढ रहे थे। बूढ़ा दैत्य समझ जाता है शायद सोफी का ब्लैंकेट उनके हाथ लग गया होगा, जिसकी खुशबू से वह सोफी को ढूंढ लेंगे। इसके बाद यहां सोफी की नींद खुलती है। वह अपने आप को उस अनाथालय के दरवाजे के पास पाती है। वह अपने आप से बात कर रही थी। वह कहती है, क्या वह एक सपना देख रही है या फिर उसका यहां होना एक सपना है। इस पर वहीं पास में खड़े BFG कहते हैं, नहीं मेरी बच्ची, यह कोई सपना नहीं है। अब तुम यहीं रहोगी, क्योंकि मेरे साथ दैत्य देश में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम अपना ब्लैंकेट वहीं छोड़ आई हो। BFG सोफी से वो सारी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ही एक नन्हा सा दोस्त था, जिसको मैं तुम्हारी ही तरह दैत्य देश लेकर गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे वापस यहाँ लाकर छोड़ता, उन दरिंदों ने उसे मार दिया। इतना कहकर वह बूढ़ा दैत्य निराश और हताश होकर वहां से चला जाता है। एक रात सोफी को कुछ आहट सुनाई देती है। वह अपनी खिड़की से झांक कर देखती है। उसे लगता था BFG यहीं आसपास कहीं है। वह BFG को पुकारती है। वह कहती है कि वह जानती है आप यहीं आसपास हैं, तो सामने क्यों नहीं आते। इसके बाद सोफी खिड़की से कूद जाती है, लेकिन BFG उसे पकड़ लेते हैं। BFG की आंखों में सोफी के प्रति प्यार और लगाव को साफ साफ देखा जा सकता था। BFG सोफी को लेकर दैत्य देश चले जाते हैं। अभी BFG अपने घर में होते हैं। इस बीच बाकी के दैत्य सोफी को ढूंढते हुए उनके घर आ जाते हैं। उनके पास वह ब्लैंकेट भी होता है, जिसे वे सूंघ रहे थे। दरअसल इस ब्लैंकेट में सोफी की खुशबू थी। यहाँ वो सोफी को बहुत ढूंढते हैं, काफी तोड़फोड़ करते हैं। सोफी उन सब से छिपती हुई अपने आप को बचा रही थी। आखिरकार BFG हिम्मत दिखाते हैं और आग दिखाकर उन सबको मारकर वहां से भगा देते हैं। सोफी बाहर आती है। अभी वह देखती है BFG के घर में एक तस्वीर लगी हुई थी। दरअसल यह तस्वीर इंग्लैंड की महारानी की थी। इसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। वह BFG को बताती है कि महारानी के लिए वह एक सपना बनाए, जिस सपने में उन्हें महारानी को दिखाना है कि ये 9 दैत्य लंदन की गलियों में पहुंच जाते हैं, जहां वे बच्चों को खा रहे हैं। महारानी तुरंत अपनी सेना को ऑर्डर देती है कि उन सभी 9 दैत्यों को किसी सुनसान आइलैंड पर फेंकवा दिया जाए। महारानी के इस सपने में हम दोनों को भी दिखना है, ताकि जब हकीकत में हम दोनों मदद के लिए उनके पास जाएंगे, उन्हें सपने वाली बात सच लगेगी और काम बन जाएगा। BFG कहते हैं कि वह कभी इंसानों के सामने नहीं गए हैं। उन्हें नहीं पता एक महारानी के सामने जाकर कैसे पेश होना होता है। सोफी उसे समझाती है, उन्हें हिम्मत देती है, उन्हें महारानी के सामने पेश होने का सलीका बताती है। उस रात BFG सोफी को लेकर महारानी के महल पहुंच जाते हैं, जहां वह महारानी के कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर वह सपना फूंक देते हैं। अब महारानी को एक भयानक सपना आता है। वह सपने में बड़बड़ाने लगती हैं। वह उठकर बैठ जाती हैं और अब वह अपने सपने के बारे में अपने मैड को बताती हैं। लेकिन वो मैड महारानी से कहती है, कोई बात नहीं मैम, वो तो बस एक सपना था। लेकिन महारानी अपनी खिड़की के पर्दे खोलने को कहती हैं, क्योंकि सपने में उन्हें
खिड़की के पास एक लड़की खड़ी हुई भी दिखी थी। इसके बाद महारानी देखती हैं खिड़की के पास हकीकत में एक लड़की खड़ी हुई थी। वह सोफी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची, क्या तुम्हें एक बड़ा सा दैत्य यहाँ लाया है? तो सोफी कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बाद महारानी समझ जाती है उन्होंने जो सपना देखा था वो बिल्कुल सच है। वह सोफी से कहती है वह अपने BFG को अंदर बुलाए। उन्हें महल के अंदर बुलाया जाता है। महल के गार्ड्स इससे पहले इतना विशाल दैत्य नहीं देखे थे। BFG को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अब BFG महारानी के सामने बड़ी शालीनता के साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि वह अपने नन्हे दोस्त सोफी के साथ यहाँ आए हैं, उन्हें महारानी की मदद की जरूरत है। महारानी उन्हें मदद करने का आश्वासन देती है। वह फोन करके अपने सेना कमांडर को बुलाती है। खैर इसके बाद महल में BFG की काफी खातिरदारी की जाती है। BFG भी अपने दैत्य देश वाला काकड़े शरबत पिलाते हैं जिसे पीकर पेट हल्का हो जाता था। इसे पीने के बाद सभी भर भर के पाद निकालते हैं। खैर BFG अपने उस दैत्य देश के बारे में बताते हैं। जब मैप पर देखा जाता है तो ऐसी कोई जगह नहीं थी। इस पर BFG कहते हैं कि महारानी की आर्मी उनके पीछे आए और वह उन्हें वहां तक ले जाएंगे। अब महारानी के हेलीकॉप्टर BFG के पीछे जाते हैं, उन्हें फॉलो करते हुए सभी दैत्य देश पहुंच जाते हैं। इधर BFG सोफी के साथ एक जगह बैठे हुए थे। दरअसल वो उन दैत्यों को एक सपना देना चाहते थे जिससे उन सबको अपने किए पर पछतावा हो। लेकिन BFG को याद आता है कि उन्होंने अपना सपना फूंकने वाला यंत्र महारानी के महल में ही भूल आए हैं। इसके बाद सोफी उस सपने वाले जार को लेकर दैत्यों के पास पहुंच जाती है। अब सभी दैत्य एक एक करके जग जाते हैं। सोफी उस जार को जमीन पर पटक कर फोड़ देती है जिससे वो सपने दैत्यों के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन सोफी की जान खतरे में आ जाती है। उसे बचाने के लिए BFG आते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा वाला दैत्य यानी इनका सरदार वह BFG को मारने ही वाला था कि तब तक वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और एक एक करके सभी 9 दैत्यों को लटका कर कहीं दूर ले जाते हैं। यहाँ इन्हें समुद्र के बीच बने एक आइलैंड पर गिरा दिया जाता है। इनके चारों तरफ पानी ही पानी था और दैत्यों को पानी से बहुत डर लगता था, यानी ये लोग यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। इसके बाद इनके लिए काफी सारे ककड़ भुजे गिराए जाते हैं। एक पेटी गिराई जाती है जिसमें ककड़ भुजे के बीज थे, यानी अब से इन्हें यहीं पर ककड़ भुजे की खेती करके अपना पेट भरना होगा। दैत्यों को अपने किए की सजा मिल जाती है। सोफी अब महारानी के दरबार में रहती है। वह सुबह उठकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है और उनकी यह बात BFG को सुनाई पड़ती है क्योंकि वो दुनिया की हर बात को सुन सकते हैं। BFG भी अपने दैत्य देश में सुकून की जिंदगी जीते हैं। वे ककड़ भुजे के साथ साथ और भी सब्जियां उगाने लगे थे। अब मिक्स सब्जी का भोजन उन्हें पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। फिलहाल कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलता हूँ फिर आपको किसी और कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ककड़ भुजे का शरबत पीते रहिए।